जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच सेकंड टेस्ट का आज है दूसरा दिन। आप सभी को बताने वाले हैं इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी कि कैसे आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं, साथ ही साथ किसकी बढ़त अब बनती नजर आएगी, क्या यहाँ वेस्ट इंडीज की टीम भी दोस्तों करारी यहाँ पर टक्कर देती नजर आएगी सेकेंड टेस्ट में, क्योंकि पहला दिन तो दोस्तों पाकिस्तान के नजरिए से बहुत बेहतरीन साबित हुआ। कप्तान बाबर आजम फवाद आलम की पारी से पूरी गिरती टीम को दोस्तों खड़ा कर दिया है फिर से पैरों पर। आप सभी को बता दें कि वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया सेकेंड टेस्ट मैच में, जहां पर पहले टेस्ट का अगर आपको हाल बताएं तो उसमें दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम ने एक विकेट से मुकाबला जीतकर इस सीरीज़ की दो मैचों की सीरीज़ को 1-0 की बढ़त से आगे बना लिया है। अब पाकिस्तान की टीम के सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो करो या तो मरो, क्योंकि दोस्तों अगर कर गए तो ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो जाएगी, पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती नहीं होगी। अगर हार गए तो वेस्ट इंडीज़ वैसे तो अपने घरेलू मैदान पर ही जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम को हराएगी और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है दोस्तों, तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का कॉन्फिडेंस हाई होगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा आगे बढ़ती नजर आई क्योंकि T20 में अच्छा कर रही है, टेस्ट में भी दोस्तों अच्छा करेगी तो वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दिखेगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि पहले टेस्ट में एक करारा मैच देखने को मिला था, भले ही 4 दिन का रहा, लेकिन आखिरी विकेट के लिए जो जद्दोजहद थी वो तो और भी शानदार थी। चलिए दोस्तों आपको बता दें इस मुकाबले की अन्य जानकारी कि कैसे आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से ही। तो सबसे पहले दोस्तों इंडियन फैंस के लिए, अगर इंडियन फैंस क्रिकेट के फैंस से, मतलब कोई किसी देश को अगर मान्यता ना देता हूँ, सिर्फ क्रिकेट को मान्यता देते हो, राजनीतिक चीज़ें अगर बगल में रखें और पाकिस्तान का ये मैच देखना चाहें, तो उनके लिए दोस्तों ये मैच इंडिया में तो टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। द सेकेंड एंड फाइनल टेस्ट मैच विल नॉट बी ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, ये साफ बातें लिखी हुई है दोस्तों। साथ ही साथ ये मैच ठीक 8:30 बजे से लाइव आता है। द टू मैच द टेस्ट सीरीज बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान इज अवेलेबल फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन द फैन कोड ऐप एंड वेबसाइट। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, क्रिक बस पर देख सकते हैं, गूगल सर्च के जरिए देख सकते हैं, ये सारी आपको चीज़ें इंडिया में तो लाइव देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ स्कोर कार्ड आप लाइव देख सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक 8:30 बजे दोस्तों आज शुरू हो जाएगा, रात के 8:30 बजे। अब आपको बताएं कि पहला दिन का खेल कैसा रहा और दूसरे दिन के खेल में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो अब है। वो सबसे पहला ये है कि जो जोड़ी इस समय मैदान पर टिकी हुई है वो भी बाबर आजम और फवाद आलम की तरह घाव कर सकती है बहुत गहरा, क्योंकि बाबर आजम और फवाद आलम ने जब 2 रन पर 3 विकेट थी तब पूरी गिरती टीम को संभाला और फिर से पैरों पर खड़ा कर दिया। खास बात इस पारी की ये रही कि फवाद आलम आउट नहीं हुए, वो रेटेड हर्ट हुए थे। कप्तान बाबर आजम दोस्त आउट होगा लेकिन फवाद आलम नहीं। 149 गेंदों में 76 रन की पारी फवाद आलम ने, 174 गेंदों में 75 रन की बाबर आजम ने खेली। वो पारी जब निकली जब कीमर रोच और जैडन सील्स की गेंदबाजी में इतनी थार देखने को मिली थी, इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इन्होंने अच्छा डटकर सामना किया पहले दिन ही और टीम को अपने पैरों पर फिर से लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि दोस्तों हमेशा फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात भी तय होती है कि आप कितनी देर तक मैदान पर खड़े हैं, कितनी देर तक आप कितने घंटे खेले हैं, क्योंकि आपको 5 दिन लगातार उसी मैदान पर रोज़ आना है, चाहे फील्डिंग करने चाहे बल्लेबाजी करने, तो वो दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि कप्तान बाबर आजम ने अपनी कप्तानी पारी अदा करी जब टीम को ज़रूरत थी, फवाद आलम ने दिया मिडिल ऑर्डर में जो उनको ज़रूरत था, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ भी अच्छी पारी खेल रहे हैं। पहले दिन का खेल दोस्तों ख़राब रोशनी के चलते बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन बीच में जो खेल रुका वो खेल आज से ही शुरुआत हो गया। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात दोस्तों ये देखने को मिलेगी, जो खेल शुरुआत होगा उसमें वेस्ट इंडीज़ के पास भी पूरा दबदबा बनाने का मौका होगा। कोशिश ये करेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम कि बची हुई 6 विकेट दोस्तों पहले सेशन में या फिर डेढ़ सेशन के अंदर ही ले ले, क्योंकि कल पूरे दिन में दोस्तों 4 ही विकेट ले पाए, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के ऊपर कितने भारी पड़े मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का। लेकिन जो ऊपर के टॉप 3 बल्लेबाज जिनको ओपनर कहते हैं दोस्तों, वैसे तो वो बिल्कुल भी अच्छी ओपनिंग नहीं कर पाए, जहाँ पर दोस्तों 2 रन पर 3 विकेट गिरी, जिसमें आपको स्कोर बताएं तो एक बल्लेबाज बिना खाता खोले यानी कि अजहर अली बिना खाता खोले लौट गए, जिसमें रोच ने उनकी विकेट ली। आबिद अली दोस्तों 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर चले गए थे, ब्लैकवुड ने इनकी कैच ली थी, इमरान भट्ट 12 गेंदों में 1 रन बनाकर गए थे, जैडन सील्स ने इनकी विकेट ली थी, जोशुआ डे सिल्वा ने कैच पकड़ा था। लेकिन जैडन सील्स दोस्तों जैसे पहले टेस्ट मैच में उन्होंने कमाल किया था, सेकंड टेस्ट मैच में भी टीम उनसे उसी कमाल की उम्मीद रख रही होगी, उसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद रख रही होगी। लेकिन अच्छी बात दोस्तों यहाँ ये देखने को मिल सकती है कि आज के जो फर्स्ट सेशन रहने वाला है
उसमें गेंद भी बदली जाएगी, साथ ही साथ रोशनी भी सही रहने वाली है, तो दोनों ही टीमों का पड़ा कह सकते हैं मिला जुला होगा। इसी वजह से दोस्तों जो क्रिकेट प्रेमी उनको तो हर मैच देखना ही पसंद है, उनको क्रिकेट खेल से प्रेम है, लेकिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच भारत देश में टेलीकास्ट नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बुरी बात भी। अगर लाइव टेलीकास्ट होता तो एक बारी को नज़र पड़ ही जाती, क्योंकि अच्छे खेल को देखना हर कोई पसंद करता है, चाहे वो कोई सी भी टीम का हो। लेकिन अगर पाकिस्तान के इस मुकाबले की बात करें तो पहला टेस्ट मैच जिस प्रकार से टीम वेस्ट इंडीज़ ने जीता था वो मैच यादगार रहेगा हमेशा के लिए वेस्ट इंडीज़ के लिए। जब भी द बेस्ट इनिंग्स ऑफ जैडन सील्स लिखा आएगा टेस्ट में तो उनका नाम जरूर आएगा इस मैच को लेकर, क्योंकि उन्होंने अच्छी विकेट चटकाई थी, करीब 8+ विकेट चटकाई थी, मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, जब ज़रूरत थी तब चटकाई थी, और आज के मुकाबले में यानी कि दूसरे दिन में भी वो अच्छा कमाल कर सकते हैं। और रोच ने दोस्तों 3 विकेट तो चटकाई दी है। अच्छी बात यह है कि वो अपना 5 का पंजा खोल सकते हैं आज के दिन में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कीमर रोच ने पहले दिन 17 ओवर कराए जिसमें 6 मैडन ओवर रहे, 49 रन दिए, 3 विकेट ली, तीनों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट रही, जिसमें रोच, आबिद अली, अजहर अली और कप्तान बाबर आजम रहे। कप्तान बाबर आजम को आउट करना यानी कि आधी टीम को ही वापस भेज देना। कप्तान बाबर आजम दोस्तों इस समय जिस फॉर्म में चल रहे हैं उनकी तुलना लगातार विराट कोहली से की जाती है, लेकिन अगर उनका प्रदर्शन आने वाले सालों में भी ऐसा रहा तो मानेंगे भी कि हाँ विराट कोहली को टक्कर देते हैं। शुरुआत में जब नए नए खिलाड़ी आते हैं तो उनका प्रदर्शन कुछ ऐसा ही रहता है, लेकिन उम्र के साथ एक्सपीरियंस जैसा होता जाता है और बाकी टीमें उनके बल्ले को पढ़ लेती है कि किस तरीके से वो आउट होते हैं, किस तरीके से वो चौके छक्के लगाते हैं, तो मुश्किलें पैदा होती है। और वही मुश्किलें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग रही थी उसमें भी कप्तान बाबर आजम अच्छी शुरुआत के बावजूद शतक तक नहीं पहुंच पाए थे और यहां पर भी शतक तक नहीं पहुंचने दिया। ये बात तो तय है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम की रणनीति काम कर रही है मैदान पर, जो पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, लेकिन 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले दिन पर बना दिए। दूसरे दिन के खेल में सबकी निगाहें दोस्तों फहीम अशरफ और यहां पर रहने वाली हैं उनके साथी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान पर, क्योंकि अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने ही अपनी अर्धशतक पारी कंप्लीट कर ली फवाद आलम और बाबर आजम जैसे, तो ये भी दोस्तों एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाएंगे। कम से कम 212 4 विकेट के नुकसान पर है तो टीम इस समय देख रही होगी 350 के पार का स्कोर, क्योंकि कई मौके पर दोस्तों हमने देखा है टैलेंटर बल्लेबाज से भी कोई ना कोई अर्धशतकीय पारी खेल जाता है। अगर ऐसा कमाल हुआ तो ये भी दोस्तों एक अच्छा मैच बन जाएगा और 5 दिन तक चलने की उम्मीद रहेगी। और देखा जाए पहला मैच भी दोस्तों इसी मैदान पर था, लेकिन सबीना पार्क स्टेडियम जमैका के, लेकिन जो उम्मीद गेंदबाजी की थी वो उम्मीद पहले दिन में नहीं देखने को मिली। ये बात भी थी कि 74 ओवर का ही खेल हुआ, खराब रोशनी की वजह से मैच को रोकना पड़ा, लेकिन आज मुकाबला वहीं से शुरू होगा। 2.86 के रन रेट से ही बल्लेबाजी चल रही है, अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दिक्कत वाली बात एक ये है कि इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों पर कितना भरोसा कर सकती है पाकिस्तान टीम, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों पर ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं रहने वाली है। नोमान अली, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, इनके टैलेंटर ने अभी तक वो पारी नहीं खेल के दिखाई जिनसे बाकी टीमों से उम्मीद कर, जैसे हमारे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सीरीज़ में बुमराह और शमी ने खेल के दिखाई थी, कुछ वैसे ही पारी की उम्मीद यहाँ पर टीम रख रही होगी पाकिस्तान की भी कि एक अच्छा स्कोर करे। 300 के पार भी जाती है तो यहाँ पाकिस्तान की टीम के लिए कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग अच्छी रही, क्योंकि इनके गेंदबाज भी फॉर्म में है। जो पहला मैच था वो एक ही विकेट से हारे थे, आपको फिर से याद दिला दे, एक ही विकेट से हारे थे, उसमें शाहीन अफरीदी, हसन अली सब एकदम ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे हैं और कीमर रोच, जैडन सील्स जैसी ही गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये मुकाबला टक्कर का है। दूसरे दिन का खेल दोस्तों ठीक 8:30 बजे से आप सभी को लाइव देखने को मिलेगा और जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।